एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जाते हैं विंटर स्पेशल रेसिपी, मेथी की खिचड़ी। तो ये मेथी है, मेथी दाना जो होता है ना, वो है ये। इसको हमने धोकर साफ़ कर लिया था और इसको भिगो दिया था 1 घंटे पहले। वैसे तो रात में भिगो दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम इसको बॉयल करेंगे। तो चलिए हम इसको बॉईल करते हैं। ये ना जाड़े में, मतलब कि विंटर सीजन में ना, सारे घरों में, हमारे यहाँ सारे घरों में लखनऊ में बनती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। गर्म होती है मेथी, तो इससे दर्द वगैरह जो होता है ना हाथों पैरों में, वो भी ठीक हो जाता है और अच्छी रहती है। तो इसको नाश्ते में बनाकर हम लोग सुबह में खाते हैं, देसी घी डालकर और ग्रीन चटनी के साथ, सैलेड वगैरह साथ में रहती है, बहुत अच्छी लगती है। तो सभी लोग सुबह में बनाते हैं नाश्ते में, और इसको डिनर लंच में भी बना सकते हैं। तो इसको हम बॉईल करते हैं। पहले इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम, और इतना बॉईल करेंगे कि पानी आधा रह जाए, खूब अच्छा सा रंग निकल आए इसका, मेथी का। ठीक है, गैस को ऑन कर दिया हमने और पानी डाल देते हैं थोड़ा सा और। देखिए पानी हमने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब मेथी को हम बॉयल होने देंगे। थोड़ी तेज़ आंच पर रखा है हमने, थोड़ा एक बॉयल आ जाएगा ना तो इसको धीमा कर देंगे, और फिर धीमी आंच पर इसको बॉयल होने देंगे धीमे धीमे। इसमें खूब अच्छा सा रेड रेड कलर आ जाएगा, डार्क कलर आ जाएगा और मेथी फूल जाएगी, गल जाएगी। तब उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे फ्लेम को। तो देखिए एक मग हमने चावल ले लिया है भर के, इसको हम धो देंगे अच्छी तरह से और इसको भिगो देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मेथी हमारी बॉयल होना शुरू हो गई है। अब इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख देंगे, क्योंकि तेज़ आंच पर पानी जल्दी से सूख जाएगा और मेथी का कलर नहीं निकल पाएगा अच्छी तरह से, मेथी गल नहीं पाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसको हमने रख दिया है। अब ये मीडियम पे थोड़ी देर पकेगी, अच्छे से कलर निकल आएगा और मेथी सॉफ्ट हो जाएगी। तब तक इसको बॉईल करेंगे और पानी आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए चावल को हमने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया है, और आप देख सकते हैं कि मेथी हमारी पकते पकते इसका पानी आधा हो चुका है और ये अच्छी तरह से बॉयल हो गई, इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। तो अब हम गैस को बंद करके इसको छान लेंगे, पानी अलग कर देंगे और मेथी के दाने अलग कर लेंगे। जैसे कि मेथी का जो पानी है वो हमने अलग बाउल में निकाल लिया छान के, और दाने ये रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथी की खिचड़ी बनाना। गैस ऑन करके कुकर चढ़ा दिया है, उसमें हम ऑयल डाल देंगे, 2 चम्मच डाल दिया हमने। अब इसको गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, अब हम इसमें मेथी डाल देंगे जो हमने बॉयल की है। मेथी डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, मेथी को ब्राउन कर लेना है, लाइट ब्राउन कलर का फ्राई कर लेना है मेथी को। तो चलिए हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मेथी हमारी ब्राउन हो चुकी है अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, बस हल्की हल्की ब्राउन हो इतना करना है, वरना जल जाएगी मेथी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा खिचड़ी का। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, चावल को हमने धो कर रख लिया था, अब हम इसको डाल देंगे इसमें। तो चावलों को हमने डाल दिया था तेल में मेथी के साथ। तो चावलों को हम भून लेंगे थोड़ी देर तेल में, 1-2 मिनट भून लेंगे चावल। इससे क्या होता है कि चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं, यही छोटी छोटी चीज़ें बातें होती खाना पकाते वक्त, तो इसको फॉलो करना चाहिए तो खाना ज़रूर अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। इसको 1-2 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स चावल भून लिए थे हमने 1-2 मिनट, अब इसमें पानी डालेंगे जो जिसमें मेथी हमने उबाली थी, और उसका पानी हमने जो अलग कर लिया था मेथी का पानी, इसको डाल देंगे इसमें। कितना अच्छा कलर आ गया इससे, और उसके अलावा और पानी डालेंगे सादा, इतना पानी डालेंगे जितना चावल पकाते वक्त डाला जाता है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आप जितना खाना चाहते हैं पसंद करते हैं उतना डालिए, और इसमें हम 3-4 हरी मिर्चें डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे।
पानी अभी और डालेंगे, इसमें कम है तो पानी हमने और डाल दिया था। चावल में पानी इतना होना चाहिए, ये पोर है ना, एक इंच इतना होना चाहिए। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटियाँ लगाएंगे, जिससे कि हमारे चावल जैसे आप चावल बनाते हैं उस तरह से पका लीजिए इसको। तो सीटी अब इसको अपने आप सीटी को निकलने देंगे, उसके बाद फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं खिचड़ी। तो देखते हैं, मेथी की खिचड़ी हमारी तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं और ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्दी होती है। इसको विंटर सीजन में ज़रूर खाना चाहिए और आप नाश्ते में बना के खाइए और उसके अलावा लंच में भी बना सकते हैं, जब मन करे, जब दिल करे आपका, जब आप बनाकर खा सकते हैं इसको। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी आज की रेसिपी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ हरी वाली चटनी और देसी घी डालकर खाइए सैलेड वगैरह के साथ, तो बहुत मज़ा आ जाता है। इसको यहाँ बोलते हैं जाड़ों का मेवा, सर्दियों का मेवा। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।